हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीएस एस्ट्रोलॉजी में। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशिफल 2017 के लिए। दोस्तों, यदि आप सारी 12 राशियों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के विषय में समय समय पर अपडेशन जानना चाहते हैं, जैसे ग्रहों के गोचर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शनि साढ़े साथी, इसलिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं मीन राशि के लिए साल 2017 में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दोस्तों, मीन राशि फल के लिए यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो साल के शुरुआती समय में थोड़ा सा आपको संघर्ष लग सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम लग सकता है, लेकिन आफ्टर मिड ईयर मध्य साल के बाद आपके लिए स्थिति काफ़ी सुधरती जाएगी और बहुत अच्छा एक समय आ जाएगा। दोस्तों, साल के शुरुआती समय में हो सकता है खर्च थोड़े से बढ़ें, तो खर्चों पर थोड़ी सी लगाम लगाएं। यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं, यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सोच समझ कर निवेश करें और स्पेशली साल की शुरुआत में थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करें। आफ्टर मिड ईयर मध्य साल के बाद आप निवेश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं आपकी नौकरी और व्यवसाय के बारे में। दोस्तों, नौकरी और व्यवसाय में आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। यदि आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, यदि आप प्रमोशन के दावेदार हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। यदि आप सैलरी चाहते हैं कि बढ़े, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़े और हो सकता है आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, तो थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भरा समय है, तो अच्छे समय का एक इंतज़ार करें। हाँ, मध्य साल के बाद आपके लिए अच्छा समय आएगा और मध्य साल के बाद कुछ चांसेस बनते हैं कि आपके यदि प्रमोशन के आप दावेदार हैं तो आपको प्रमोशन मिले। यदि आप व्यवसाय करते हैं दोस्तों, तो व्यवसाय में भी आपको साल के शुरुआती समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आफ्टर मिड ईयर आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप जो निवेश करेंगे मध्य साल के बाद, आपके वो निवेश के परिणाम आपको बिल्कुल 100% मिलेंगे। तो दोस्तों, शुरुआती साल में थोड़ा सा दिक्कतें आपको दिख सकती है नौकरी व्यवसाय में, आफ्टर मिड ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, मीन राशिफल के लिए यदि पारिवारिक स्थिति की बात की जाए तो पारिवारिक स्थिति में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, तो मेरी सलाह यह है कि थोड़ा सा बहस से बचें, ताकि आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे आपकी दूरी ना हो, आपके संबंध ना बिगड़े, तो थोड़ी बहस से बचिए। अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिए, ज़ुबान पर अपनी कंट्रोल रखिए। दोस्तों, यदि आपकी जीवन साथी की बात की जाए तो जीवन साथी के संबंध में ये समय बहुत अच्छा है, आपके संबंध और भी मधुर होंगे। यदि आपकी संतान पक्ष की बात की जाए तो संतान पक्ष में भी उतनी ज़्यादा आपको उपलब्धि नहीं मिलेगी, लेकिन उनके लिए भी सामान्य समय है, सामान्य चलेगा। आफ्टर मिड ईयर मध्य साल के बाद उनके पक्ष में आपको सामान्य स्थिति लगने लगेगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए समय बहुत अच्छा है, तो इस समय का भरपूर लाभ उठाएं, भरपूर फायदा उठाएं और जिंदगी को एंजॉय करें। दोस्तों, बस जो ठंड का समय आएगा तो उसमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, बाकी ओवरऑल आपके स्वास्थ्य के लिए समय बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप छात्र हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी क्लास में या कॉलेज में हैं, तो इस समय का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि आप इसमें सफल होने वाले हैं, तो मेहनत भी उतनी कीजिए और आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे, तो समय का फायदा उठाएं ओवरऑल। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप 12 राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि आप ज्योतिष के अपडेट्स जानना चाहते हैं, जैसे गोचर या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर शनि साढ़े साथी, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।